Assalamu alaikum class 4, how are you all? I hope you all are doing well. Students, happy summer vacation. Students, as your summer vacation has been started, and enjoy this summer vacation with your family and friend and stay safe. Students, as you have received the holiday homeworks from the school, आपके स्कूल से आपको हॉलीडे होमवर्क्स मिल चुका है और जिन्होंने नहीं लिया वो ले लें और जिन्होंने ले लिया है वो अपना हॉलीडे होमवर्क भी अपने समर वेकेशन के साथ साथ करेंगे. ठीक है, आपका जो हॉलीडे होमवर्क है उसमें आपने 3-3 पेजेस हमने डिवाइड किए हैं. आपके 3 साइंस के लेक्चर्स हैं जिसमें आपको गाइडलाइन दी जाएगी हॉलीडे होमवर्क की. आपने 3-3 पेजेस करके जैसे ही आपका ऑनलाइन लेक्चर आएगा साइंस का उसी दिन आपने 3 पेजेस साइंस के करने हैं. ठीक है, ताकि आपको जो है वो आप पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े और आप इजीली जैसे जैसे आप ऑनलाइन आप ये लेक्चर देख रहे हैं आप इस लेक्चर के साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं अपना जो ऑनलाइन होमवर्क है, या आप इसके बाद भी कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद. ठीक है, आपका ऑनलाइन ये जो हॉलीडे होमवर्क है, ये जो हॉलीडे समर वेकेशन है, इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग. आप इसको बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग भी कर सकते हैं और बहुत जो है आप इसको इंजॉय कर सकते हैं अपना ये होमवर्क करते हुए. ठीक है, आपके जो इसमें है होमवर्क की जो गाइडलाइंस हैं उसमें आपने ये चीज़ें आपने जो है वो याद रखनी है कि आपका जो हॉलीडे होमवर्क है वो आपका जो है वो उसके मार्क्स भी होते हैं. तो इसीलिए आपने अपना हॉलीडे होमवर्क जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है. ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमने पेज 1, 2 और 3 करने हैं हॉलीडे होमवर्क साइंस के. और उसके अलावा जो है आपका हॉलीडे होमवर्क में जो लेसन्स इंक्लूडेड हैं, लेसन 1 है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी एंड लेसन 3 है एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स. ओके, आपके ये दो लेसन्स इंक्लूड हैं आपके समर वेकेशन हॉलीडे होमवर्क में, समर वेकेशन का जो हॉलीडे होमवर्क है उसमें. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द हॉलीडे होमवर्क आपने कुछ चीज़ें जो है वो नोट रखनी है, आपने नोट कर लेनी है कि आपकी जो राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और आपकी बुकलेट्स बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए और जो भी स्टेटमेंट आपको दी गई है उसको आपने 2-3 टाइम्स पहले रीड करना है और फिर उसके आपने आंसर्स लिखने हैं कि आपको स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसके आंसर्स लिखने हैं. ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई हैं. और साथ साथ आपने ये करना है अपना इस जो है अपने इस वेकेशंस में अपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है और अपना आपने ऐसा करना है कि आपने जो है वो इनडोर एक्टिविटीज ज़्यादा रखनी है और अपने फैमिली को अपने फ्रेंड्स को अपने टाइम देना है. ठीक है, अपने इस वेकेशंस को आपने बहुत अच्छी तरह से जो है वो आपने उसको सेलिब्रेट करना है या जैसे आप चाहें उसको अच्छी तरह से अच्छे वे में अच्छे तरीके में आपने इसको गुजारनी है. ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब आपका हॉलीडे होमवर्क पेज नंबर 1 पे आ जाएं. जब आप पेज नंबर 1 खोलेंगे तो आपका हॉलीडे होमवर्क इस तरह से है. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन वर्ड बैंक. आपको वर्ड बैंक दिए गए हैं, ठीक है, यूनिट 1 से एंड यूनिट 3 से. ठीक है, आपको यहाँ पे भी ब्लैंक्स दी गई हैं और यहाँ पे भी. अच्छा, आई एम श्योर कि ये ब्लैंक्स पढ़ते साथ सबको आती होंगे. ठीक है, आप रीड करेंगे दफा तो आप देखेंगे कि आप सबको ये ब्लैंक्स आएंगी. इसके लिए आपको जो है बुक से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसको खुद कर सकते हैं. ठीक है, चले लेट्स डू द फर्स्ट ब्लैंक. फर्स्ट ब्लैंक में मैं आपको गाइड करती हूँ कि क्या है. डैश गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. डैश गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. अच्छा, अब बॉडी को क्या चीज़ जो है वो एक शेप दे रही है, सपोर्ट दे रही है पूरी बॉडी को. हमारी बॉडी जो है ना उसमें एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो शेप है, वो सपोर्ट मिल रही है बॉडी को. तो आप लुक एट द वर्ड बैंक. हार्ट दे रहा है, नो. गैस्ट्राइटिस, नो. ज्वाइंट दे रहा है, नो. रूबेला, नो. स्केलेटन, यस. स्केलेटन जो है वो क्या दे रहा है बॉडी को, शेप एंड
एंड सपोर्ट, हमारी जो बॉन्ड्स हैं वो सारी मिलकर स्केलेटन बनाती हैं, जिसकी मदद की वजह से हम चल सकते हैं, भाग सकते हैं, या हमें कोई भी हमारी बॉडी को सपोर्ट मिल सकते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब सेकेंड है, कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन द डैश. नाउ डू इट योर ऑन. आपने खुद करने हैं, आपको वर्ड बैंक दिए गए हैं, आपने खुद जो है वो उसको सॉल्व करना है. और उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको आंसर्स टैली करने की जरूरत है तो आप हेल्प ले सकते हैं अपने बुक से. ठीक है, इसमें कुछ कोई मुश्किल नहीं है आपको. आई एम श्योर कि आपको ये सब आता है. अब अगर हम पार्ट बी के देखें तो फर्स्ट ब्लैंक है, डैश कंपोनेंट्स आर लिविंग थिंग्स. अब कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो लिविंग थिंग हैं? हमने देखा था कि एनवायरमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, ए बायोटिक कंपोनेंट्स, एक लिविंग थिंग्स थे, एक नॉन लिविंग थिंग्स. सो आंसर क्या होगा कंज्यूमर्स? नो, बायोटिक, यस, बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग थिंग्स. ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ वन थिंग मोर, कि आपकी जो फर्स्ट लेटर होता है, जैसे आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल. ठीक है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, मतलब फर्स्ट लेटर जो है आपका कैपिटल होगा. लाइक यहाँ पे अगर बायोटिक आना है तो आपका जो बी है वो क्या होना चाहिए? कैपिटल. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, आपका जो भी आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, कीप इन योर माइंड कि फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज इन कैपिटल. फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, मतलब बड़ा होता है. ओके, नाउ फर्स्ट नंबर पेज वन इज कम्प्लीटेड, सो मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. अब नेक्स्ट पेज पे है, आपने आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर्स. अब आपका बॉडी ऑर्गन है, उसमें आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपने बताना है कौन सी पिक्चर्स हैं. अब आपको पता है ना, देख के पता चल रहा है कि कौन सी पिक्चर्स हैं, दिस वन. जस्ट आपने इसके नेम्स लिखने हैं और आप इसको कलर्स भी कर सकते हैं. ठीक है, और अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एनी वन ह्यूमन ऑर्गन. एक कोई सा एक ह्यूमन ऑर्गन, कोई भी एक ह्यूमन, इंटरनल ऑर्गन ड्रॉ कर लें, एक्सटर्नल ऑर्गन ड्रॉ कर लें, कोई भी, और साथ आप नाम भी लिख लें. ठीक है, उसमें कलर्स भी कर लें, ब्यूटीफुली आपने जो है वो उसको अपने ड्रॉ करना है, बहुत खूबसूरत तरीके से उसमें कलर्स कर लें, उसका नेम लिख लें, और जो आप चाहें उसमें, जैसा भी आप चाहें, अपने बुल की हेल्प ले लें, अब जैसा चाहें आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, और जैसे आप इजीली कर सके उसको आप कर सकते हैं. ठीक है, इसमें आई एम श्योर कि अब तक के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स द पेज नंबर थ्री. अब आपने क्या करना है, टू विच ग्रुप दीज एनिमल्स बिलोंग. ठीक है, ये एनिमल्स जो हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं. ठीक है, आपको थ्री एनिमल्स दिए गए हैं, और हर्बीवर, कार्निवर, ओमनिवर. ठीक है, अब हर्बीवर, कार्निवर एंड ओमनिवर को आपने देखना है कि ये कौन सी, मतलब पहले तो आपको इनकी टर्म्स पता होनी चाहिए कि हर्बीवर क्या होते हैं, कार्निवर क्या होते हैं, ओमनिवर क्या होते हैं, उसके बाद ही आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे ना. तो आपने सबसे पहले इनको आइडेंटिफिकेशन आपको आनी चाहिए कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, और उसके बाद फिर आप इसको क्या करेंगे, आप इसको बता सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि किस ग्रुप से एनिमल्स बिलोंग कर रहे हैं. सो अब लेबल द गिवन डायग्राम. क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, आपको ये डायग्राम, मतलब ऑप्शंस दिए गए हैं और उसको आपने इसमें लेबलिंग करनी है. ठीक है, आपको इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने बताना है लिवर कौन सा है, लंग्स कौन से हैं, स्टमक कौन सा है, और इंटेस्टाइन कौन से हैं. ठीक है, नाउ डू इट योर ऑन, और इसमें कलरिंग भी आप कर सकते हैं, और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है. ठीक है, अब अगर हम टर्म्स देखते हैं, कार्निवर्स, ओमनिवर्स, हर्बीवर्स, तो कार्निवर्स कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो क्या खाते हैं, फ्लैश. फ्लैश मतलब मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, दैट इट अदर कंज्यूमर्स. और दूसरे एनिमल्स का क्या खाते हैं, गोश्त खाते हैं. कंज्यूमर्स का मतलब कंज्यूमर्स क्या होते थे, कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपने खुराक खुद नहीं बनाते, दे कांट मेक देयर ऑन फूड. अब ओमनिवर्स क्या थे, ओमनिवर्स जो प्लांट्स खाते हैं. ठीक है, और उसके ओनली प्लांट्स, सो प्लांट्स और एनिमल्स खाते हैं फ्लैश एंड प्लांट्स, मतलब वो वेजिटेबल, फ्रूट्स, उसके साथ एनी टाइप ऑफ मीट खा सकते हैं. और हर्बीवर्स वो होते हैं जो ओनली प्लांट खाते हैं, जैसे काउ, डियर, शीप, रैबिट एंड ज़ेब्रा. नाउ आपने इसको देख कर, अब अपने इनको देखना है कि इसमें ये आइडेंटिफिकेशन लाइन कौन से कैटेगरी में है, ये बियर और काउ कौन सी कैटेगरीज में है. सो स्टूडेंट्स, आज का यहाँ तक हमारा लेक्चर था, एंड हैव अ ग्रेट समर वेकेशन. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.